नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। झारखंड के सिमडेगा जिले से बड़ी खबर आ रही है। दरअसल सिमडेगा के कोलेबिरा थाना क्षेत्र के बेसरा जरा बाजार के समीप मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने संजू प्रधान नामक व्यक्ति की पहले तो जमकर पिटाई की और फिर जिंदा जला दिया। मिली जानकारी के अनुसार कोलेबिरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बंदरचुवा पंचायत के बेसरा जरा गाँव में ग्रामीणों ने लकड़ी चोरी के आरोप में गाँव के ही संजू प्रधान नामक युवक को जिंदा जलाकर मार डाला। बताया जाता है कि मंगलवार दोपहर 2 बजे के आसपास बेसरा जरा ग्राम निवासी संजू प्रधान को घर से निकाल करके ठेठई टागर प्रखंड के बम्बलकेरा गांव के लगभग 200 से 250 ग्रामीणों ने जंगल से लकड़ी काटने का आरोप में पीटने लगे। संजू को पिटता देख उसकी माँ और पत्नी सपना देवी व अन्य परिजनों ने उसे छोड़ देने की लगातार गुहार भी लगाई, लेकिन ग्रामीणों ने किसी की नहीं सुनी और संजू की पिटाई करते रहे। परिजनों के अनुसार ग्रामीणों का जब इतने से भी मन नहीं भरा तो उन्होंने संजू के घर के बाड़ी में रखे लकड़ी को जलाकर घायल संजू को उसमें डाल दिया। इस दौरान परिजन के द्वार बार बार संजू को छोड़ने की गुहार लगाई गई, लेकिन ग्रामीण नहीं माने। इस घटना की जानकारी कोलेबिरा पुलिस को मिली, पर कोलेबिरा पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पहुंची। हालांकि शुरू में पुलिस को भी ग्रामीणों ने गांव में घुसने से रोक दिया। इसके बाद सिमडेगा एसपी डॉक्टर शम्स तबरेज के निर्देश पर एसडीओपी डेविड ए डॉड्राय के नेतृत्व में बानो इंस्पेक्टर आलोक सिंह, सदर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर दयानंद कुमार और ठेठई टागर थाना प्रभारी कुमार इंद्रेश कोलेबिरा पुलिस के साथ घटनास्थल पहुंचे। पुलिस ने शव को अग्निशमन वाहन से बुझाते हुए अधजले शव को अपने कब्जे में लिया और अंत परीक्षण के लिए सिमडेगा भेज दिया। घटना के बारे में ग्राम प्रधान सुमन बुद ने बताया कि मृतक संजू ने अगस्त माह में गाँव के कुटकटी नियम का उल्लंघन करते हुए 6 पेड़ काट कर भेज दिया था। गांव वालों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी थी, लेकिन वन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। तब आज खुदकटी कमेटी की बैठक गांव में हुई, जिसमें बम्बलकेरा के भी लोग आए। इसके बाद बैठक में मृतक संजू ने जब अपनी गलती स्वीकारी नहीं तो उसे मारपीट करते हुए जला दिया। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीएनएन न्यूज़।